पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को घेर लिया। इसी बीच बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने पर वो घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और 25,000 का इनामी बदमाश है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का है। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई पट्टी के पास बदमाशों के होने की सूचना मिली। सूचना पाकर पुलिस ने तेजी दिखाई और पुलिस की कई टीमें बनाकर घेराबंदी कर दी। बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इस दौरान पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी, जिसके लगने से बदमाश घायल हो गया। एसपी सिटी अंकित मित्तल ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का नाम सतपाल जाटव है और बदमाश के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। साथ ही 25,000 का इनामी बदमाश भी है और 8 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी वांछित चल रहा था। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है, जिसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में आज रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई कि लूट में एक अभियुक्त वांछित चल रहा है, वो सीरसखेड़ा की तरफ से आना वाला है। इसी सूचना पर एक टीम गठित की गई, जिसमें कि SOG और थाने की तरफ से टीम बनाकर उनको एक जगह पर लगाया गया। जब उस मोड़ पर वो टीम बाइक पर तो संदिग्ध व्यक्ति आए, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। जब वो रोकने से नहीं रुके तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है। दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा है। दूसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम सतपाल जाटव पता चल रहा है, जिसके ऊपर लगभग 40 से 50 मुकदमे हैं और जो कि 8 मुकदमों में वांछित चल रहा था और मौजूदा जनपद मुरादाबाद से 25,000 रुपये का इनामी था। सर, कितने राउंड फायरिंग हो रही है और कितने देर समथिंग मुठभेड़? देखिए, पुलिस और बदमाशों की तरफ से कुल मिलाकर 5 राउंड फायर हुए, जिसमें से 3 बदमाशों ने फायर किया और 2 पुलिस की तरफ से फायर हुआ। क्या किसी और के भी हताहत या घायल होने की सूचना? एक अभियुक्त जिसका नाम सतपाल जाटव है, वो घायल हुआ है और उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।